अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल रिस्पॉन्सिव डिजाइन पर काम करेंगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, मोबाइल व्यू में एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है और साइड में हमारा कोड ओपन है। तो हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड देखते रहेंगे कैसा इफेक्ट हमको हमारी एप्लीकेशन पर देखने मिल रहा है। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू बनाया था, अब हम क्या करेंगे, जितना भी कॉन्टेंट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है होम सेक्शन, तो हम क्या करेंगे, होम पेज को ओपन करेंगे। ये रहा हमारा होम पेज CSS फाइल। इसमें हम क्या करेंगे, मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। नीचे आप कमेंट भी बना सकते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको कमेंट बना दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर मीडिया का यूज करेंगे और फिर मिनिमम या फिर मैक्स विड्थ कर देते हैं इसको, मैक्स विड्थ, और इसको कर देंगे 600 पिक्सल, यानी मोबाइल डिवाइस को हम टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए एक होम कंटेनर है, आप साइड बाय साइड देखते रहे, मैं होम पेज भी ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास मेन डिव है होम कंटेनर, सो इसको हम टारगेट करेंगे यहाँ पे। तो आप लिखेंगे डॉट होम कंटेनर और इसमें हम पैडिंग कर देंगे 0, साथ ही में मार्जिन कर देंगे हम 0। सेव करके एक बार देख लेते हैं, तो देखिए परफेक्टली अलाइन हो चुका है। और मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ मैं ऊपर से, मार्जिन टॉप इसको कर देंगे 30 पिक्सल, सेव। तो 30 पिक्सल पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, या फिर इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, सेव। अब ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद में H1 को भी टारगेट कर लेंगे। अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस में इशू आएगा, जैसे जैसे हम काम करेंगे तो ये सब फिक्स होता चलेगा। अब ये जो हाई IM है ना, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसके अंदर कहाँ पर लिखा था एक बार देख लेंगे, ये है बटन के अंदर, अच्छा बटन नहीं, ऊपर रहेगा ये है H2। तो इस H2 को हमको टारगेट करना है। चलते हैं वापस मीडिया क्यूरी में, यहाँ पे होम कंटेनर को टारगेट करेंगे, उसमें H2 है। H2 में हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज ऑफ 24 पिक्सल इनफ रहेगा, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए थोड़ा सा इसका साइज कम हो जाएगा। उसके बाद में ये H1 है, तो इस H1 को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम कंटेनर, फिर है H1, और इसका फॉन्ट साइज भी हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, फॉन्ट साइज इसको भी कर देंगे 24 पिक्सल, सेव। तो दोनों भी हमारे पास 24 पिक्सल हो चुके हैं और ठीक ठाक लग रहा है। देख सकते हैं आप मोबाइल डिवाइस पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इस हायर मी बटन पे भी हमने कोई भी फंक्शनैलिटी को ऐड नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट का बटन बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करें, होम JS में जाइए और पहले शुरू में क्या करता हूँ, एंकर टैग बना देता हूँ, फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हायर बटन के अंदर, इससे पहले मैं एंकर टैग बना लेता हूँ, एक एंकर टैग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर सेम मैं हायर मी कर देता हूँ, हायर मी, और जो क्लासेस नीचे अप्लाई है ना उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेफरेंस यहाँ पर ऐड करना है जो कि हमको रिडायरेक्ट करेगा व्हाट्सएप चैट की तरफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे href और इसके अंदर आप लिखेंगे https://, और ये है कोलन, सो आप इसको कोलन बना ले। उसके बाद में आप लिखेंगे api.whatsapp.com/send?, उसके बाद में फोन, फोन इक्वल टू, फिर आपका जो भी नंबर है आपको ऐड करना है। मैं रैंडम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 12345678 90, और इसको मल्टी लाइन करता हूँ साथ में ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये हो गया मल्टी लाइन। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट हमको ऐड करना है, तो रिलेशन हमको इसमें ऐड करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे रिलेशन इक्वल टू, यानी REL, और इसमें हम करेंगे नो रेफरल। उसके बाद में यहाँ पर टारगेट करेंगे, तो आप लिखेंगे टारगेट _ blank, ताकि ये हमको न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करें। सेव कर लेते हैं इसको पहले और देख लेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हायर मी का एक और बटन आ चुका है, और प्रीवियस बटन जो है ना, अब इसको डिलीट कर देंगे, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, सेव कर लेते हैं। तो वापस से जैसा का वैसा हमको देखने मिलेगा हायर मी का बटन, मगर इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको रिडायरेक्ट कर लेगा व्हाट्सएप चैट की तरफ। तो परफेक्टली ये बटन काम कर रहा है और यहाँ पर हमारा होम सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अबाउट सेक्शन पर काम करेंगे और इसको भी रिस्पॉन्सिव बना देंगे। तो होम का काम कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर देता हूँ और इस मोबाइल नैप को भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट पेज पे जाएंगे, ये रहा अबाउट पेज, अबाउट CSS। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे अगेन कमेंट बना देंगे, तो एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं, आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आपको क्या करना है। अगेन मीडिया को हम टारगेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर मैक्स विथ कितनी करेंगे इसकी, 600 पिक्सल, और इसमें हमको क्या करना है, हमारा मेन कंटेनर है इसमें अबाउट का, आप देखिए साइड बाय साइड इसको देखते रहिए आपने क्या नाम दिया था। तो हमारे मेन डिव का क्लास नेम है अबाउट,
सो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं डायरेक्टली, और इसमें जो भी मार्जिन है उसको हम करेंगे जीरो। तो आप क्या करें, यहाँ पे लिखे सबसे पहले मार्जिन जीरो, पैडिंग जो भी है उसको भी हम क्या करेंगे जीरो कर देंगे। सेव करके एक बार देख लेते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। और मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप ऑफ 20 पिक्सल, सेव। तो ये टॉप से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये परफेक्टली अलाइन भी हो चुका है, देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। अब ये अबाउट मी है ना, तो ये कंटेंट देख सकते हैं आप, ये भी चिपक कर आ रहा है ना। तो इसमें हेडिंग में क्या दिया था हमने, एक बार चेक कर लेंगे। ये है H1 और ये अबाउट कंटेंट का H1 है, तो इसको हम टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे अबाउट कंटेंट और इसका जो H1 है इसको मार्जिन टॉप से दे दो 10 पिक्सल, सेव। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस हमको यहाँ पर भी देखने मिल गया, और आप चाहें तो इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं अगर आपको देना है विड्थ 100%। तो ये पूरा विड्थ यहाँ पर ले लेगा, देख सकते हैं आप। कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, इनकेस अगर कुछ भी इश्यू होता है तो ये ऑटोमेटिकली फुल विड्थ यहाँ पर एक्वायर कर लेगा। तो परफेक्टली हमारा अबाउट पार्ट भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बन चुका है। इसके बाद में है हमारे पास एजुकेशन डिटेल, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम एजुकेशन पर काम करेंगे, तो ये रहा एजुकेशन। एजुकेशन का मेन कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं और इसकी सीएसएस की फाइल भी ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मेन डिव है एजुकेशन के नाम से, इसको हम मीडिया क्यूरी में टारगेट करेंगे। पहले शुरू यहाँ पे कमेंट, कमेंट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको टारगेट करेंगे @media, फिर मैक्स विथ हम यहाँ पे दे देंगे मैक्स विथ ऑफ 600 पिक्सल। उसके बाद में फिर मेन हमारे पास है एजुकेशन, इसमें भी मार्जिन जीरो कर देंगे मार्जिन जीरो, पैडिंग भी हम क्या करेंगे जीरो कर देंगे पैडिंग जीरो। सेव करके एक बार देख लेते हैं, तो देखिए परफेक्टली ये अलाइन हो चुका है। मार्जिन टॉप इसमें भी दे देंगे, सो आप लिखेंगे मार्जिन टॉप ऑफ 30 पिक्सल, सेव। टॉप से मार्जिन मिलेगा और इनर पैडिंग भी दे देंगे इस हेडिंग के अंदर। तो हेडिंग के लिए क्या यूज किया था एक बार देख लेते हैं। यह है एजुकेशन डिटेल्स और इसके लिए हमने क्लास यूज की है क्या, कोई चेक कर लेते हैं। नहीं, कोई भी क्लास यूज नहीं किए, एजुकेशन के अंदर हमारे पास है H2, तो डायरेक्ट हम उसको टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एजुकेशन, फिर है H2 और पैडिंग टॉप कर देते हैं इसको, पैडिंग टॉप ऑफ 20 पिक्सल, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें भी पैडिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छा नहीं, पैडिंग की जरूरत नहीं है, ये परफेक्टली अलाइन है। कोई ना कोई नीचे कंपोनेंट इशू कर रहा है, उसकी वजह से हो रहा होगा ये, जो स्क्रॉल इफेक्ट दिख रहा है ना उसकी वजह से शो कर रहा होगा। और ये लाइन भी देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है ना, तो लाइन हमने HR में यूज किया था ना, तो डायरेक्टली HR को टारगेट कर लेंगे एजुकेशन। फिर हमारे पास HR, HR के अंदर हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 300 पिक्सल इनफ रहेगा, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखिए 300 इतना हो रहा है, या फिर 280 कर देते हैं इसको, 280 पिक्सल, सेव। अब ठीक ठाक लग रहा है। और मार्जिन बॉटम भी दे सकते हैं हम, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल मार्जिन बॉटम से दे देंगे, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट नजर आएगा और ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। एजुकेशन डिटेल्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास है टेक्नोलॉजी स्टैक, तो इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टैक वाले पेजेस को ओपन करेंगे। दोनों पेजेस को आप ओपन करिए, इसमें हमारे पास मेन क्लास क्या है चेक कर लेते हैं। ये है टेक स्टैक, तो इसको टारगेट कर लेंगे। नीचे आइए एकदम बॉटम में, फिर से एक कमेंट आपको बनाना है, तो जितने भी आपको चेंजेस करना है ना, तो आप इस मीडिया क्यूरी के अंदर उसको टारगेट कर सकते हैं। पहले शुरू मीडिया लिखिए, उसके बाद में मैक्स विड्थ यहाँ पे आप सेट करेंगे, और यहाँ पे आपको बताना है कितना आपको मैक्स साइज ऐड करना है, तो हमारे केस में 600 पिक्सल। और उसके बाद में टेक्स्ट स्टैक को हम टारगेट करेंगे। अब ये सारी चीजें हम क्यों ऐड कर रहे हैं, देखिए इनिशियल में हमने क्या किया था, पैडिंग लेफ्ट दिया था और मार्जिन टॉप से दिया था, तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैडिंग जीरो, मार्जिन जो भी रहेगा उसको भी जीरो कर देंगे और इसको मार्जिन टॉप दे देंगे हम 30 पिक्सल, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए परफेक्टली ये भी अलाइन हो चुका है, कुछ भी हमको ज्यादा चेंजेस करना नहीं पड़ा, क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या करता है ऑटोमेटिकली ज्यादातर हमारा कंटेंट रिस्पॉन्सिव बना देता है। और इसको मार्जिन टॉप से मैं 50 कर देता हूँ, इसमें ज्यादा चाहिए हमको, सेव। और इस लाइन को भी टारगेट कर लेंगे, तो नीचे आइए टेक स्टैक HR और इसकी विड्थ हम कर देंगे अगेन 280 पिक्सल, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, टेक्स्ट टैग बराबर से आ रहा है परफेक्टली। देखिए एनिमेशन भी काम करेगा, कभी कभार ये ब्राउजर में इशू करता है, लेकिन जैसे रिफ्रेश करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर इसको जो है होस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद में हमारे पास है देखिए यहाँ पर टॉप रिसेंट प्रोजेक्ट, तो टेक्स्ट टैग का काम हो गया, इसको भी क्लोज कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। सो ये है प्रोजेक्ट्स, दोनों फाइल्स को आप ओपन करिए। प्रोजेक्ट्स में हमारा मेन क्या है एक बार चेक कर लेंगे डिव, ये है प्रोजेक्ट के नाम से कॉपी। और नीचे आके हम क्या करेंगे, मीडिया क्यूरी में इसको टारगेट करेंगे। एक कमेंट बना ले पहले शुरू, और यहाँ पे हम लिखेंगे @media, फिर डिवाइस की विथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स विथ ऑफ 600 पिक्सल। और इसमें हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, मार्जिन कर देंगे 0, पैडिंग कर देंगे हम यहाँ पे 0, सेव। तो देखिए जैसे हमने किया तो परफेक्टली ये अलाइन हो चुका है और कार्ड भी चिपक के आ रहा है। यहाँ पर कार्ड को भी टारगेट कर लेंगे और मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। HR को भी टारगेट कर लेंगे पहले शुरू, लाइन का साइज भी कम कर सकते हैं। और जो भी आपको इसके अंदर चेंजेस करना है ना, तो आप डायरेक्टली इस मीडिया के अंदर वन बाय वन सभी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब मैं जितना बता रहा हूँ, हो सकता है आपने कुछ और भी मॉडिफिकेशन किया हो, तो फिर आप अपने हिसाब से वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर HR है, HR के अंदर हमारे पास है इसकी विड्थ, विड्थ हम कर देंगे इसमें भी 280 पिक्सल, सेव। अब ठीक ठाक है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट को टारगेट करेंगे, इसके अंदर हमारे पास है कार्ड, और कार्ड कौन सा एक बार चेक कर लेते हैं, यह है फुल स्टैक वाला, तो एक बार चेक कर लेंगे मेन कार्ड कौन सा है इसमें, रो की क्लास है, तो ये रहा कार्ड, देख सकते हैं आप। सो इस कार्ड को हम टारगेट कर लेंगे डॉट लगा के, और इसमें हम कर देंगे मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल करके देखते हैं एक बार, सेव। तो 10 पिक्सल तो कम हो रहा है, इसको कर देंगे 20 पिक्सल, सेव। अभी भी कम है, 30 पिक्सल कर देंगे इसको, सेव। तो देखिए अब ठीक है, यहाँ पर परफेक्टली जो है स्पेसिंग हमको देखने मिल रही है, और ये बराबर से मोबाइल डिवाइस में कुछ इस तरीके से शो होंगे। परफेक्टली यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास है नीचे फॉर्म, सॉरी फॉर्म नहीं, वर्क एक्सपीरियंस है, इसको भी हम टारगेट कर लेंगे। इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आएंगे वर्क एक्सपीरियंस पर, ये रही दोनों फाइल्स, दोनों को ओपन करिए। इसमें मेन डिव क्या है एक बार चेक करें, वर्क के नाम से मेन डिव है, इसको नीचे टारगेट करेंगे। सो यहाँ पे नीचे एक लाइन बनाते हैं, पहले आप कमेंट बनाकर लिख सकते हैं क्या चीज़ इसमें हो रही है। हम अब क्या करेंगे, मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, सेम चीज आपको रिपीट करना है। यहाँ पे मैक्स विथ, इसमें आपको बताना है कितनी विथ आपको चाहिए। आई होप थोड़ा बहुत फेमिलियर आप इसमें हो चुके होंगे। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे वर्क को, और जो भी मार्जिन है उसको कर देंगे 0, पैडिंग को भी हम क्या करेंगे इसमें कर देंगे 0, सेव। तो ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। साथ ही में हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप भी दे देंगे इसमें 50 पिक्सल, सेव। तो टॉप से मार्जिन भी मिलेगा, देख सकते हैं आप, परफेक्टली ये अलाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म, और तो कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। और हाँ, इसमें जो है HR को भी चेंज करना है ना, इसकी विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वर्क को टारगेट करेंगे, इसके अंदर HR है, HR की विड्थ यहाँ पर ऐड कर देंगे 280 पिक्सल, सेव। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते जा रहे हैं, तो परफेक्टली हमारा लाइट और डार्क का जो बटन है वो भी विजिबल हो चुका है, वरना पहले वो साइड में चला गया था, अब यहाँ पर परफेक्टली वो स्टिक होके आ रहा है। अब नेक्स्ट है फॉर्म, तो देख सकते हैं आप फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इसको भी टारगेट कर लेंगे। इन फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। लास्ट में हमारे पास है कॉन्टैक्ट, दोनों फाइल्स को आप ओपन करिए। मेन कॉन्टैक्ट में हमारे पास मेन डिव है कॉन्टैक्ट के नाम से, तो इसको हम टारगेट करेंगे नीचे। तो इसके नीचे मैं कमेंट बना देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखिए क्या चीज आप कर रहे हैं। उसके बाद में मीडिया, मीडिया के बाद में मैक्स विथ 600 पिक्सल, इसमें भी हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे डॉट, फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट, मार्जिन इसमें भी हम करेंगे 0, पैडिंग इसमें भी हम कर देंगे 0, सेव करके एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए थोड़ा सा ये अलाइन हो चुका है, और मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल कर देते हैं इसको, सेव। तो टॉप से थोड़ा सा मार्जिन मिलेगा, कॉन्टैक्ट बराबर से आ रहा है, और इसके अंदर का फॉर्म भी बराबर से आ रहा है। और भी इसको हम कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर और फॉर्म्स है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या कोड है इसमें। कार्ड है, देखिए कार्ड 1 2 है ना, तो कार्ड 1 को एक बार मैं टारगेट करके देख लेता हूँ। कार्ड 1 में क्या चीज़ है अपने पास, मैं मेन कंपोनेंट में देख लेता हूँ। कार्ड 2 है अपने पास, और कार्ड 2 को डायरेक्ट टारगेट कर लेंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे अभी काम करता है नहीं, वरना रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं कार्ड 2 को टारगेट कर लेता हूँ। पहले शुरू हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट के अंदर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर कार्ड 2, इसमें भी मार्जिन 0 करके देख लेता हूँ, मार्जिन 0। तो देखिए मार्जिन 0 करते ही ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है, देख सकते हैं आप, और कोई भी इसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप इस H6 को भी टारगेट कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं H6 है ना, ये देखिए ये रहा H6, और ये कार्ड 2 के अंदर है, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, यह है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास है कार्ड 2 और उसके अंदर है H6। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ पहले शुरू, सेव, अलाइन कर देंगे आइटम्स को, अलाइन आइटम्स, सेंटर, सेव, और कंटेंट को भी जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। आप चाहें तो इसके बीच में जो है स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा तो ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं आप। कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हमारा परफेक्टली यहाँ पर बन चुका है। अब नीचे हमारे पास क्या है, फूटर है, तो फूटर को भी डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, इन फाइल्स को क्लोज कर देंगे। और फूटर हमारे पास एप डॉट जे एस में था, आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, एप डॉट जे एस में, तो यहाँ पे हमने फूटर का इस्तेमाल किया था और क्लास नेम फूटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस में टारगेट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसको इंडेक्स में टारगेट किया था ना। सो ये रही इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल, और नीचे हम क्या करेंगे, अगेन एक कमेंट बना देंगे, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सिर्फ कमेंट में, और यहाँ पे आप लिखेंगे @media, फिर डिवाइस की विड्थ, मैक्स विड्थ को टारगेट कर लेंगे और इसको कर देंगे 600 पिक्सल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फूटर को टारगेट कर लेंगे, तो आप लिखेंगे फूटर, फूटर में हम क्या करेंगे, मार्जिन कर देंगे, तो आप लिखे पहले शुरू मार्जिन 0, और पैडिंग भी 0 कर देंगे, सो आप लिखेंगे यहाँ पे पैडिंग, और इसको कर देंगे 0 पिक्सल, या फिर 0 इनफ है, सेव कर लेते हैं इसको। तो आई थिंक ये परफेक्टली सेंटर अलाइन तो हो चुका है, थोड़ा सा टॉप से मार्जिन दे देता हूँ उसको पहले शुरू, मार्जिन टॉप, इसको कर देते हैं 20 पिक्सल टॉप से, सेव, और बॉटम भी दे देता हूँ मैं, मार्जिन बॉटम, इसको भी 20 पिक्सल कर देंगे, सेव, चेक कर लेते हैं अब एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमारे एप्लीकेशन हमको दिखाई देंगे, और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रिस्पॉन्सिव बन चुकी है, चेक कर सकते हैं इसको, लार्ज स्केल में भी आप देख सकते हैं, कोई भी डिवाइस अदर सेलेक्ट करिए। यहाँ से देखिए मैं S20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो S20 में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, परफेक्टली ये चीज काम कर रही है, और यहाँ पर लाइट और डार्क थीम भी हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कंटेंट हमारा, जो भी आपने डार्क थीम में कलर्स यूज किए होंगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो परफेक्टली हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस एप्लीकेशन को हमको होस्ट भी करना है, तो होस्टिंग भी हम देखने वाले, कोई भी फ्री सर्वर पे हम इसको होस्ट कर देंगे। और मीडिया क्यूरी में कुछ भी इशू आता है तो आप गूगल का भी रेफरेंस ले सकते हैं, सोर्स कोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मेक श्योर वहां से भी अपने कोड को जरूर कंपेयर करें, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है फिर उसकी वजह से जो है डिजाइन काम नहीं करता है। सो मेक श्योर आप क्या करें, लाइन बाय लाइन अपना कोड जरूर कंपेयर करें, फिर भी कुछ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे DM भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।